नमस्कार। दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है उसमें कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। नगर निगम की नई बॉडी बनी है, उसमें मेयर का चुनाव होना था, डिप्टी मेयर का, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना था और हो गई वहां पर महाभारत। इस महाभारत के प्रत्यक्षदर्शी थे निहाल सिंह, पहले भी हमारे चैनल पर आते रहे हैं। वेलकम निहाल आपका। जी नमस्कार सर। और बताइए कि कल क्या हुआ और अब आगे क्या हो। कल सभी को पता है 6 जनवरी थी और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सदन की पहली बैठक बुलाई गई। नियम अनुसार सदन की पहली बैठक जब भी निगम के आम चुनाव होते हैं उसके बाद पहली बैठक जो होती है उसमें महापौर, उपमहापौर और स्थायी समिति के लिए 6 सदस्यों का चुनाव होता है। वही कार्यक्रम कल होना था। पीठासीन अधिकारी उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त कर दिया गया था। पहले पीठासीन अधिकारी को जो नई दिल्ली जिले के डीएम है संतोष कुमार राय, उन्होंने शपथ दिलाई सत्या शर्मा को। सत्या शर्मा जो महापौर का आसन होता है उस पर जाकर बैठ गई क्योंकि वो पीठासीन अधिकारी के तौर पर बैठ गई। पीठासीन अधिकारी ने अपने विवेक का फैसला लेते हुए, जो कि उपराज्यपाल द्वारा 10 मनोनीत सदस्य थे, उनको उनको शपथ दिलाने का कार्यक्रम शुरू किया। और सबसे पहले जो है विनोद कुमार को शपथ के लिए आमंत्रित किया गया। जब शपथ आमंत्रित किया गया तो वो शपथ ले ही रहे थे, इतनी देर में जो आम आदमी पार्टी दल के नेता हैं मुकेश गोयल, उन्होंने इस बात पर आपत्ति जाहिर की कि उन्होंने कहा कि निगम इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाई जा रही है, जबकि पहले चुने हुए सदस्यों को शपथ दिलाई जानी चाहिए। इस पर जब जैसे ही उन्होंने ये कहा तो आम आदमी पार्टी के पार्षद जो शपथ जहां होनी थी वहां पर दौड़ पड़े, पोडियम पर कब्जा कर लिया और कुछ सदस्यों जो सदस्य शपथ ले रहे थे उनसे शपथ का कागज छीनने का प्रयास भी किया। और इसको देखते हुए फिर बीजेपी के पार्षद भी मंच की तरफ दौड़ पड़े और दोनों के बीच जो हुआ वो सब पूरे दिल्ली और देश ने देखा ही कि किस प्रकार से दोनों दल के पार्षद एक दूसरे के आमने सामने आ गए और कई बार स्थिति हाथापाई की हुई। नोक झोंक से शुरू हुई ये स्थिति हाथापाई पर हुई, लात घूंसे पर हुई, गाली गलौज पर हुई, कुर्सी उठाने से लेकर मेज उठाने फेंक के मारने तक की कोशिश तक हुई। और फिर उसके बाद जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था वो पूरा नहीं हो पाया। पीठासीन अधिकारी शपथ ले चुकी थी और चूंकि शपथ नहीं हो पाई अब अगली जो बैठक होगी वो उसमें ये कार्यक्रम होगा। अच्छा, ये सब जो आपने बताया ये सब हमने देखा, लेकिन जी आप बताइए कि बिहाइंड द सीन क्या चला, ये क्यों हुआ और इसकी असली रीजन क्या थी। मतलब क्या जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को हार का डर था, कोई कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को हार का डर था, आखिरकार ये तो बहुत मामूली बात से मुझे लगता है कि शुरुआत हुई कि साहब आपने मनोनीत को क्यों शपथ दिला दी। इससे कोई रणनीतिक बदलाव तो होना नहीं था कि मनोनीत को अगर पहले शपथ दिला देंगे तो क्या सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी, इससे कुछ ऐसा तो होना नहीं था। इतनी मामूली सी बात पे क्यों हुआ है? मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड और में ले जाता हूँ, थोड़ा सा और बैकग्राउंड बता देता हूँ। जी मनोनीत सदस्य, ये पहली बार ऐसा हुआ कि मनोनीत सदस्य उसी समय नियुक्त हो गए जबकि आम चुनाव के दौरान जो निर्वाचित सदस्य हैं उससे एक साथ सदन में पहुंच गए। मतलब एक तरफ मनोनीत सदस्य नियुक्त हो गए, एक तरफ निर्वाचित होकर सदस्य पहुंच गए। ये नहीं, दोनों जो सदस्य चुनाव हुआ पहुंच, था चुनाव के बाद मनोनीत हुए थे। अच्छा, जी, उपराज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वो 10 ऐसे सदस्य जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक है वो अपने विवेक के अनुसार ऐसे लोगों का, जो विशेषज्ञ है चाहे समाज से भी है, उनका उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। ये इस पे भी हालांकि एक विवाद है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये नियम अनुसार नहीं है, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं जो कानून को जानते हैं वो ये बताते हैं कि ये नियम अनुसार उपराज्यपाल के पास इसका अधिकार है। अब ये पहली बार ऐसा हुआ कि मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य पहली बैठक में ही मौजूद थे, लेकिन उससे पूर्व ये क्या होता था कि जब पहली बैठक होती थी उसमें निर्वाचित सदस्य ही उपलब्ध होते थे और जो सदस्य मनोनीत होते थे उनका वो 1-1.5 महीने बाद होते थे, आम चुनाव के 1-1.5 महीने बाद होते थे। चूंकि इस बार निगम चुनाव दिसंबर में हुए और पूर्व में निगम चुनाव जो है मार्च अप्रैल में हुआ करते थे, दिसंबर में हुए, तो अब जो भी महापौर बनेगा उसका कार्यकाल 30 मार्च तक का है, तो
30 मार्च तक इसके बाद वार्ड समितियों का गठन होना है, इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी का गठन होना है, तो इसलिए उपराज्यपाल ने ये मुझे लगता है इसलिए मनोनीत सदस्यों का मनोनयन पहले कर दिया। अब ये पहली बार ऐसा हुआ तो सत्य शर्मा जो कि पीठासीन अधिकारी हैं उन्होंने अपने विवेक के अनुसार मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। मनोनीत सदस्य शपथ लेते हैं ये बात नियम अनुसार सही है कि उनको भी शपथ दिलाई जाती है, ऐसा नहीं है कि उनको शपथ नहीं दिलाई जाती, उनको भी शपथ दिलाई जाती है नियम अनुसार, उनको भी शपथ लेनी होती है, उनको भी पार्षद की तरह भत्ता मिलता है, उनको भी पार्षद की तरह लैपटॉप की सुविधा मिलती है, उनको भी पार्षद की तरह कार का स्टीकर मिलता है, उनको भी पार्षद की तरह लैपटॉप मिलता है, ये सारी सुविधा, बस जो उनको नहीं मिलता है वो मेयर नहीं बन सकते और वो सदन में वोट नहीं कर सकते। एक्ट में स्पष्ट क्लियर लिखा हुआ है कि मनोनीत सदस्य महापौर के चुनाव के लिए एक्ट वोट नहीं कर सकते, किसी प्रस्ताव पर वोट नहीं कर सकते कि प्रस्ताव गिराना है पास करना, उस पर वोट नहीं कर सकते। हालांकि इसके विपरीत मतलब निर्णायक निर्णायक भूमिका में नहीं रहते मनोनीत, सदन में नहीं रहते लेकिन वार्ड कमेटी में ये रहते हैं, जो जोनल कमेटी जिन्हें हम बोलते हैं वहां पर एक्ट के अनुसार तो उनको भी वहां पर भी पहले वोटिंग का अधिकार नहीं था, लेकिन 2015-16 में कांग्रेस की एक मनोनीत पार्षद थी ओनिका मल्होत्रा, वो हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट से वो जोन के लिए मनोनीत सदस्य के लिए वोटिंग का अधिकार लेके आई, तो हाई कोर्ट के आदेश पर ये वो वार्ड कमेटी में वोट कर सकते हैं। अब जो लड़ाई जो आपने पूछी इसके पीछे की क्या भूमिका की, ये तो शपथ ग्रहण तो कोई बड़ी बात नहीं है, शपथ ग्रहण पे क्यों विवाद हुआ, तो इसके पीछे मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पीछे विवाद महापौर के चुनाव को लेकर कोई विवाद नहीं, चुनाव था आम आदमी पार्टी और भाजपा की रणनीति का, और इसी दोनों अपनी अपनी रणनीति से हाउस में आए थे, वो ये सोच रहे थे कि वो अपने वार्ड स्टैंडिंग कमेटी पर कब्जा करना, लड़ाई स्टैंडिंग कमेटी पर कब्जा करने की थी, क्योंकि कल जो है सदन में 6 सदस्य जो स्टैंडिंग कमेटी के लिए चुने जाते हैं उनका भी चुनाव होना था, और ये जो मनोनीत सदस्य हैं ये भी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वार्ड कमेटी से जो एक हर दिल्ली में 12 वार्ड कमेटी है और एक एक वार्ड कमेटी से एक एक मेंबर चुन के आता है, ये जो स्टैंडिंग कमेटी है में जो मेंबर चुन के आएंगे वो वार्ड कमेटी से आएंगे और उसके लिए वोट करेंगे ये मनोनीत सदस्य जो 3 जोन है जिनमें इनका मनोनयन हुआ है, वो 3 जोन है जिसमें भाजपा के पास बहुमत नहीं था और इनके आने से भाजपा बहुमत पर के करीब पहुंच गई है या बहुमत में पहुंच गई है, ऐसे इस तरीके से इनका मनोनयन हुआ है। नरेला जोन में भाजपा के पास जो है 12 सदस्य थे, सॉरी नरेला जोन में भाजपा के पास 6 सदस्य थे और इनके मनोनीत 4 सदस्य वहां से मनोनीत होने के बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी के सदस्यों की संख्या 10-10 हो गई है, बराबर हो गई है, अगर एक ने भी वोटिंग कर दी तो समीकरण बदल जाएगा। इसी प्रकार सिविल लाइन्स जोन में भी भाजपा और आम आदमी पार्टी के सदस्यों की संख्या बराबर हो गई है। जो सेंट्रल जोन है वहां पर बीजेपी मतलब अगर कांग्रेस बीजेपी के साथ आ जाती है तो भाजपा की संख्या बहुमत के पार हो जाएगी, 1 सदस्य अधिक हो जाएगी, तो 3 सदस्य वहां से बीजेपी चुन के ले आएगी, 4 सदस्य 4 में भाजपा के पास पहले से ही बहुमत है, 4 और 3 7 हो गए और 3 सदस्य कल अगर वो सदन से चुनवाने में अपने कामयाब होती जिनमें से 6 में से 3 चुनवा लेती तो 10 सदस्य हो जाते और कुल जो है 18 में से 10 वोट ही चाहिए स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए। तो ये जो लड़ाई थी ये इसके पीछे की जो है वो स्टैंडिंग कमेटी थी। आम आदमी पार्टी की जो रणनीति मेरे सूत्र बताते हैं कि वो थी कि पहले सभी पार्षदों का शपथ ग्रहण हो जाए और मनोनीत पार्षदों का शपथ ग्रहण ना हो, क्योंकि जैसे ही सभी पार्षदों का शपथ ग्रहण पूरा हो जाता तो फिर मेयर का चुनाव हो जाता, तो मेयर अगर आम आदमी पार्टी की जीत जाती तो जो कि शैली ओबराय बन जाती, वो उनके ऊपर फिर विवेक पर निर्भर था कि वो मनोनीत सदस्यों का
शपथ ग्रहण कराया ना कराए, अगर मनोनीत सदस्य शपथ नहीं ले पाते तो वो जोन की कमेटी में वोट नहीं कर पाते। आम आदमी पार्टी की रणनीति थी, बीजेपी की रणनीति ये थी कि इनको शपथ दिला दो ताकि हम वार्ड कमेटी से अपने अपने एक एक मेंबर को चुना लें। तो ये यानी कि दोनों पार्टियां जानती थी कि दूसरे की रणनीति क्या है जी, इसलिए दोनों की जब रणनीति खुल गई, सामने आ गई वहां पर, तो इसलिए दोनों के सदस्यों के बीच जो हमने और आपने देखा नोकझोंक से बात शुरू हुई और फिर लात घूसों पे खत्म हुई। तो मेन जो उसका जो पीछे की लड़ाई है वो स्टैंडिंग कमेटी पे कब्जा करने की कोशिश थी। और मैं चलिए हमने ये मान लिया कि स्टैंडिंग कमेटी को लेकर असली झगड़ा है, हमें जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को कि स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है वो मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्या वजह है, स्टैंडिंग कमेटी का रोल क्या है? मैं आपको बता देता हूँ, स्टैंडिंग कमेटी नगर निगम की सबसे शक्तिशाली कमेटी होती है जिसके पास नीति निर्धारण से लेकर कई परियोजनाओं का लागू करने और उनको मंजूरी देने की शक्ति है। अगर स्टैंडिंग कमेटी में अगर कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी मेयर बनाने के बावजूद भी उस नीति और योजनाओं को लागू नहीं कर पाएगी। इसलिए कोई भी एक पार्टी सही उसको दोनों में होना जरूरी है, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी भी हो और वो मेयर हो। दोनों एक ही पार्टी का होगा तो दिल्ली वालों का भला होगा, अगर दोनों अलग अलग पार्टी का हो गया तो ये होगा। ये जो कल हमने लाइव प्रसारण देखा था एक शो का, लड़ाई का, वो हमें बार बार देखने को मिलेगा। अच्छा। और स्टैंडिंग कमेटी अगर कोई निर्णय अगर पारित नहीं करती है तो वो नीति लागू ही नहीं हो सकती है। स्टैंडिंग कमेटी की बहुत बड़ी शक्ति है, जो महापौर होता है वो केवल एक तरीके से हाउस का प्रिसाइडिंग करता है, उसके पास खुद की शक्तियां सीमित है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के पास चाहे किसी योजना के लिए बजट सैंक्शन करना हो, निगम का बजट भी सबसे पहले स्टैंडिंग में पास होता है, पहले स्टैंडिंग में पास होगा फिर वो हाउस से जाके पास होता है। तो ये प्रक्रिया है निगम की, जिसकी वजह से दोनों ही दल कम से कम स्टैंडिंग पर कब्जा करना चाहते हैं। अगर कल को आम आदमी पार्टी मान लीजिए अगर मेयर बनाकर और ये चाहती है कि हम निगम के स्कूल दिल्ली सरकार को दे रहे हैं तो वो नहीं दे सकते, क्योंकि उसके लिए मंजूरी लेना स्टैंडिंग कमेटी के लिए अनिवार्य है। अगर आम आदमी पार्टी चाहती है कि हम पार्षदों के बजट खर्च के बजट के लिए विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए देंगे तो वो हाउस से नहीं हो सकता है, वो स्टैंडिंग कमेटी से ही होगा। तो ये तो इसलिए पार्लियामेंट में भी होती है स्टैंडिंग कमेटी, तो जब विधेयक वगैरह पारित होते हैं, बिल पास होते हैं, उनमें भी स्टैंडिंग कमेटी को भेजे जाते हैं और मैंने कई बार देखा है कि उन्हें वापस भी रिवर्ट भी कर दिया जाता है। जी, तो इसमें अब फिलहाल इस जैसे कि आपने हमें पहले भी वीडियोस में बताया है कि जो पहला मेयर होगा ये केवल मार्च मार्च तक होगा, है ना जी? तो जी, अभी इसमें लेटेस्ट स्थिति क्या है, चुनाव अब कब हो सकता है? चुनाव होने में अभी, क्योंकि कल जो है एक ही सदस्य की शपथ हो पाई थी और वो भी सदस्य शपथ पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि जो शपथ लेने के बाद एक गोल्डन बुक में सिग्नेचर करने होते हैं सदस्य को, वो हस्ताक्षर वो भी नहीं हो पाए, तो इसलिए सदन की अभी कार्यकाल शुरू नहीं हुआ है। ये जो पार्षद चुन के आए इनका कार्यकाल शुरू नहीं हुआ है। अब अगली बैठक चूंकि कल शुक्रवार था और उसके पूरा समय निकल गया, तो अब सोमवार को जब भी निगम का दफ्तर खुलेगा निगम सचिव उस पूरी स्थिति को फाइल में लिखकर निगमायुक्त को भेजेंगे और उसमें ये बताएंगे निगम सचिव कि ऐसे ऐसे आपने सदन की 6 जनवरी को कार्रवाई बुलाई थी, उसमें ये घटनाक्रम हुआ और शपथ ग्रहण पूरा नहीं हो पाया, तो इसलिए अब आप अगली तारीख बताइए। वो फाइल दिल्ली सरकार से रूट होकर जाती है, अर्बन मिनिस्ट्री से होकर, दिल्ली सरकार का जो अर्बन डिपार्टमेंट है वहां से रूट होकर जाती है, तो तारीख का निर्धारण फिर उसी जैसे पहले हुआ था उसी तरीके से होगा। तो इसमें करीब करीब मुझे लगता है 10 दिन का समय इसमें लग सकता है, 10 से 12 दिन का समय लग सकता है, और फिर ये 26 जनवरी के बाद भी जा सकता है, क्योंकि 3 दिन तो सिविक सेंटर चूंकि हाई राइज बिल्डिंग है इसकी वजह से सुरक्षा के कारणों से गणतंत्र दिवस के वजह से वो बंद रहता है, तो ये हो सकता है 26 जनवरी के बाद भी ये चला जाए। तो ये पीठासीन अधिकारी जो बने थे कल,
वो ही मान्य रहेंगे या उसका भी दोबारा होगा? ये वो पीठासीन अधिकारी शपथ ले लिए और ये निगम सचिव कल जो अपनी सोमवार को जो अपनी फाइल दिल्ली सरकार में भेजेंगे, ये उपराज्यपाल को अवगत कराएंगे। उपराज्यपाल चाहे तो इनको बदल सकते हैं और फिर दोबारा से एक पीठासीन अधिकारी करके उनकी शपथ कराकर फिर से शुरू कर सकते हैं, वरना इनको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये उपराज्यपाल के विवेक के आधार पर निर्भर करता है। लेकिन जब भी मीटिंग होगी मुद्दा तो यही रहेगा कि मनोनीत वालों को पहले शपथ दिलाई जाए या नहीं। हाँ, जाहिर सी बात है, मुद्दा यही रहेगा। कानून में इसमें कोई बाध्यता नहीं है क्योंकि ये पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है वो किसको शपथ दिलाए। ये पीठ, हालांकि अभी तक की जो परंपरा थी वो वार्ड नंबर के अनुसार से शुरू होती थी और कई बार अल्फाबेट नंबर से शुरू होता था, ABC से शुरू होता था, तो वो पीठासीन अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि अब क्या होने जा रहा है? कहीं इस गतिमेल ऐसा तो ना हो कि ये को 30 मार्च तक का कार्यकाल ऐसे ही निकल जाए, इसमें कोर्ट कचहरी भी हो सकती है क्या? कोर्ट कचहरी निश्चित रूप से हो सकती है। मुझे लगता है कोई भी एक पार्टी चली जाएगी या निगम खुद चला जाए कि जी हम नहीं करवा पा रहे चुनाव, तो इसके लिए आप आदेश दो दोनों पार्टियों को कि वो शांतिपूर्वक सदन चलने दें, तो ऐसा भी हो सकता है। या वहां पर सुरक्षा कर्मियों की संख्या को बढ़ाकर ऐसा हो सकता है, या दो भाग में शपथ ग्रहण हो सकता है, एक बार बीजेपी वालों की करा ले, एक बार आम आदमी पार्टी वालों की करा ले, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप सदन की जब बैठक बुला रहे हैं तो उसमें किसी जो सदस्य निर्वाचित होकर आया उसको रोक नहीं सकते और उसको मार्शल आउट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो सदस्य नहीं बना। तो बड़ी दुविधा है, संवैधानिक दुविधा है, और ये जो गतिरोध खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं तो दोनों पार्टियों को एक स्तर पे आके समझौता करना पड़ेगा, तभी ये शपथ ग्रहण हो पाएगा। अगर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जैसे शपथ ग्रहण देरी होगी वैसे ही राजनीतिक दलों में पार्षदों की टूट फूट की संभावनाएं ज्यादा होंगी, क्योंकि पार्षद अपना मतलब संवैधानिक अधिकार लेने के लिए वो उत्सुक हैं। उनको उनकी अभी अधिकारी फोन नहीं उठाते क्योंकि वो अभी शपथ नहीं लिए, उनकी वो ना दौरा कर सकते हैं जो एक अभी कोई वजूद ही नहीं है उनका। मतलब संविधान कानूनी रूप से तो उनका कोई वजूद नहीं है, तो उनको ना जिस तरीके से उनको वो संबंध मिलना चाहिए, जिस तरीके से उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है, ना फोन मिल रहा है, ना वो सिविक सेंटर में जा सकते हैं, ये अभी ना ऐसी लैपटॉप स्थिति मिला है, है। ना लैपटॉप मिला है, ना भत्ता मिलना शुरू हुआ, तो ये सारी चीजें अभी है। तो इसलिए जो है गतिरोध जितना लंबा खिंचेगा उसका नुकसान इन पार्टियों को ही होगा क्योंकि पार्षद टूट फूट करने के कोशिश में रहेंगे। अच्छा, अब हमें चलते चलते हमें निहाल जी ये जरूर बता दीजिए कि इस समय सदन के अंदर जो पावर बैलेंस है वो किस तरह का है, किसके पास कितने हैं और इसमें क्या पोजीशन है मनोनीत समेत, इस तरह से बता हाँ, दीजिए। अभी जो टोटल 250 सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं तो उसमें से 134 सदस्य जो है आम आदमी पार्टी के निर्वाचित हो गया है, 104 बीजेपी के और 9 कांग्रेस के, 3 निर्दलीय, 1 निर्दलीय बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो भाजपा के सदस्यों की संख्या हो गई है 105 और 7 जो है उनके वो है सांसद हैं, तो 112 हो गई और 1 उनका विधायक मनोनीत हो गया है, तो 113 हो गई, 113 सदस्य ये हो गए और 10 जो है एल्डरमैन हो गए जो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं पूर्व में, तो 123 सदस्य जो है बीजेपी के पास हो गए और आम आदमी पार्टी के पास 3 जो 135 है ना, 134 134 में 3 राज्यसभा सदस्य हो गए और 14 जो है 13 उनके विधायक हो गए, तो इस प्रकार से ये संख्या है। नहीं तो उसमें 134 में ये इंक्लूड बता रहे हो आप या इससे अलग बता रहे? यह 134 से अतिरिक्त 13 और तो टोटल 137 और स्ट्रेंथ कितनी हो गई आम आदमी पार्टी की, टोटल कितनी स्ट्रेंथ हो गई अगर विधायक और वो सब मिला? 134 और 13, 13 तो एक एक सौ सौ सैंतीस और सैंतालीस 147 और 3 राज्यसभा सदस्य। तो 150 हो गए वो तो। जी तो इसमें तो फिर खेल यही है कि बीजेपी बस किसी भी तरह से स्टैंडिंग कमेटी पर अपना कब्जा चाहती है, जी सर, जी काम काम पूरा कांड भेद से। पूरी पूरी कोश स्टैंड, केवल बीजेपी नहीं आम आदमी पार्टी उस स्टैंडिंग चाहती है नहीं, क्योंकि बीजेपी जो है मेयर और डिप्टी मेयर की लड़ाई में तो मुझे लगता है ही नहीं कहेंगे।
नहीं बिल्कुल नहीं है, मतलब अगर क्रॉस वोटिंग, अगर 20% क्रॉस वोटिंग कर दे तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्या, क्योंकि अंतर काफी ज्यादा है, एक दो वोट का नहीं। दल बदल का कानून लागू नहीं होता है, तो इसलिए अगर वो क्रॉस वोटिंग हो जाए तो कह नहीं सकते। लेकिन बहुमत जो है इस समय मेयर और डिप्टी मेयर के लिए आम आदमी पार्टी के पास है। हालांकि स्टैंडिंग का बहुमत गुणा भाग के गणित के तरफ से देखे तो वो बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकता हुआ नजर आ रहा है। पल्ला भारी चलिए, जो है, पल्ला जो भारी है वो बीजेपी का है स्टैंडिंग कमेटी के लिए। चलिए, हालांकि इसमें तो अभी बहुत कुछ लंबी चौड़ी होनी है, आपसे हम समय जी समय में बात करते रहेंगे, जी और जब इसकी डेट फिर से फिक्स होगी एक बार फिर आपसे हम चर्चा करेंगे इस बारे में। जी 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 धन्यवाद निहाल आपका, थैंक यू। जी नमस्कार नमस्कार।